पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय सेवा दल के राष्ट्रीय प्रभारी अरविंद पाल और महिला सेवा दल की प्रभारी चौधरी रिया आज मुरादाबाद पहुंची, जहां मुरादाबाद पहुंचने के बाद सिविल लाइन्स के जिगर कॉलोनी स्थित कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सगीर सईद के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद सेवा दल की महिला प्रभारी चौधरी रिया ने अपने संबोधन में महिला सेवा दल की पहली प्राथमिकता महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने और उसके बाद जो देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई हो रही है उन मुद्दों पर भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सगीर सईद ने बताया कि आज कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्र प्रभारी अरविंद पाल और महिला प्रभारी चौधरी रिया मुरादाबाद पहुंची हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों प्रभारी संगठन को मजबूत करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे हैं, साथ ही ये निर्णय भी लिया जाएगा कि कांग्रेस सेवा दल को यहां से चुनाव लड़ाया जाए या नहीं। संगठन को मजबूत करने के लिए भी विचार विमर्श किया गया है। महिला शक्ति है, महिला शक्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो माननीय हमारे माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने नारी शक्ति का एक मतलब इंदिरा गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने नारी शक्ति का बखूबी प्रदर्शित दिखाया है कि नारी किसी से कम नहीं है। और मैं भी ये चाहूँगी कि सिर्फ ये मीटिंग इसलिए ली गई है कि हम बूथ बूथ तक जाकर महिलाओं को भी और अपने मतलब हर एक तबके के लोगों को आगे लाकर हम आगे बहुत बहुत काम करना है, क्योंकि आज के टाइम में स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। जो मुद्दे नहीं, जो नारे नहीं करने, सिर्फ बूथ में फील्ड में उतर के हमको काम करना है। कांग्रेस से बदल के राष्ट्रीय प्रभारी आए हुए हैं माननीय अरविंद पाल जी, जो राष्ट्रीय प्रभारी है कांग्रेस सेवा दल के, और माननीय चौधरी रिया जी जो महिला कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय पदाधिकारी है, राष्ट्रीय हमारे प्रभारी है, वो यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं और खासकर ये भी देखने आए हैं क्या कांग्रेस सेवा दल को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस सेवा दल फ्रंटल संगठन है और कांग्रेस सेवा दल के जो अध्यक्ष होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होते हैं, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर होता है, और जो जोन का अध्यक्ष होता है वो अपने जोन के पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर होता है। तो वो लोग सब यहाँ देख रहे हैं, नज़र लगी हुई है कि मुरादाबाद में उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस सेवा दल मजबूत है, इसलिए कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से उतारा जाए। लेकिन उससे पहले ये लोग वहाँ संगठन मजबूत करने आए हैं, हो सकता है संगठन को इतनी मजबूती दे दें कि आने वाले वक्त में कांग्रेस सेवा दल बहुत आगे बढ़कर यहाँ पे जनता की सेवा करे, विकास में हिस्सा ले। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।